बहुत मजबूत कर लिए हैं कलाइयाँ गुड्डू भैया, अब थोड़ा पढ़ भी लीजिए। अरे परवान जी, क्या उठिए, अगली एंट्री बताइए तो। अरे खड़े होइए। ये तो बनमानुष जैसा अपना शरीर बना रहे हैं ना, ये एकदम मैच करता है आपकी बुद्धि से। अरे दोनों के दोनों मोटे। अरे 2 साल से फेल हो रहे हैं, पंचवर्षीय योजना बनाना है क्या? बैठ जाइए, लंट कहीं के। हंस कह रहे हो बे? गुरु जी हमें लंड कह रहे हैं, हम मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो लंड नहीं कह रहे हैं, वो लंट कह रहे हैं, इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। लंट माने दिमाग से गधा, जड़ बुद्धि। आप ठीक, वैसे भी बुद्धि होती लोड़क लोक के तुम्हारी क्लास में थोड़ी आते। इसलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लीजिए। तड़के घंटा होगा बबलू, सारी सीट जो है ना रिजर्वेशन वाले ले जाएंगे। हमारा तो तुम जानते हो बे, इस साल मिस्टर पूर्वांचल हम ही बनेंगे। 51,000 नाम है, काली भैया स्पॉन्सर है, अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे हमको। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नमस्ते, अगर आप लोगों को इस कॉलेज से गुंडारा से हटाना है तो कृपया मुझे ही मत दें, दीपू सिंह नाम याद रखिएगा, वोट फॉर दीपू सिंह। अरे दीपू बाबू, अबे अबे दाबो बे, जाओ ना। ए सफेद कोट आ गए नेताजी, बता रहे हो कि पढ़ा है केमिस्ट्री? पढ़ बोलो, चक्कर साले को बॉटल रहेगा बे। आप आंध्रा नहीं नेताजी, जाओ जाओ। नाश्ता करके आए, भगा रहा है गांधी। नमस्कार मास्टर। कहाँ भैया? ये आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? सिनेमा हो रहा है क्या? पढ़िए लिखिए। मुन्ना भैया को देख, कैसे तोड़ा है इसको। छोड़ो, तुम्हें सास बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्वेंसिंग करेंगे। अबे चलो 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 बेटा चलो। क्या नाम है हमारा? मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ गज्जुमल कॉलेज। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ना? छोटी सी बात, इनकी कैंची वहां कर दें गोल। जी भैया जी, कर दें। हाँ बेटा गोल। हाँ इस डील में तो खन्ना की दोनों FD टूट गई। हाँ भैया, तुम शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। मुन्ना भैया अंडे करा दीजिए, 50। खाली बनना है ना इनको। चाय आप पी लीजिएगा मार्ट साहब, चलो बे। दीपू सिंह को टंगड़ी का है हमारे भैया, वो देखे नहीं कितनी शाबाशी दी है। चुड़ीदार पहनती है ना तू, दोलन आंदोलन होता है। इस
दूसरे लड़के तेरे पीछे चलते चलते पूरा बाजार घुमा दूंगा। थोड़ी तो शर्म किया कर स्वीटी, तुझसे भी शर्माए। अच्छा सच बता, जब लड़की साइकिल उठा के पीछे चलने लगते हैं तो अपने भी चाल में स्टाइल आ जाता है ना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो कब ले जा रही हमारे भैया को डेट पे? हम क्यों ले जाएं डेट पे? हम लड़काएं कि वो? और सारी डेट्स निकल जाएंगी, डेट पे नहीं ले जाएंगे वो। तुम्हारे भैया की ना फटती है हमसे। दिखाएं? हो गया। अच्छा शरीर बनाए हो, अब कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगे ना? बस यही काम रह गया है ना गुड्डू भैया को, लड़कियों को बचाएं। एक बॉडीगार्ड काहे नहीं रख लेती हैं? बनोगे हमारे बॉडीगार्ड? दिखाओ मछलियां, दिखाओ जरा। ऐसे नहीं, फुला के दिखाओ गुब्बारे की तरह। छूना नहीं हमको कभी, विदाउट परमिशन। पापा को बता दिए तो बहुत कूटे जाओगे तुम, पता है ना पुलिस में ठुल्ले बहुत जोर से मारते हैं। सुझा दे, बैठ नहीं पाओगे बहुत दिन। छोड़ो, खाना बताते हैं शाम। अच्छे लगते हैं गुड्डू भैया तो कह दीजिए, नहीं लगते हैं तो आगे बढ़िए। गेम काहे खेलती हैं? लड़की खूबसूरत हो ना तो गेम खेल सकती है। क्यों है ना हम खूबसूरत? माचिस है पंडित जी? हम सिगरेट नहीं पीते। कान खुजाना था, सिगरेट तो हम भी नहीं पीते। कितना टाइम है हियरिंग में? 10 मिनट लगेंगे। यादव जी के आदमी का केस है, कोर्ट में ज्यादा उछलेगा नहीं। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी, नॉट गिल्टी। उठ फेंक जोत, गलत कचहरी है ये, मजाक बना रखा है। मादर चोर, निकलो निकलो यहां से, निकलो। अरे पका, अरे पंडित जी जाने दीजिए उसको, अरे उसकी फट गई है। दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए, अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले शहर को। क्या करिएगा पंडित जी, जा भाई जा, जा। देख लेंगे। तक पहुंच सड़ी के अंदर करवा के डंडा डलवाए, आ गया से। चलिए और बाकी हम दूल्हा के मामा हैं और ये हमारी जीजा जी, दूल्हा इन्हीं का लड़का था। वकील साहब आप केस तो लेंगे ना? तो तुमने वकीलों मना कर दिए तो फाइल दिखाई जरा जी। ले जी, ये बारात का फोटो है और ये लड़का गोली चलाया है हमारी आंख के सामने। ये लड़का तब तो पक्का लेंगे ये केस हम। आप लोग फाइल छोड़ दीजिए, हम स्टडी कर लेंगे। वकील साहब बाद में पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप? हमारी चिंता मत कीजिए,
मुद्दा ये है कि आप तो पीछे नहीं हटेंगे बाद में। हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग, फूलचंद त्रिपाठी और मुन्ना भैया। भैया भैया जी एक बात कहे। हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, फूलचंद त्रिपाठी बहुत चूतियों टाइप नाम लगता है। मादर चोट मारेंगे कोई नहीं तो भाई नक्सीर फोड़ देंगे। ठीक है नारे लगाओ बहन। चलो भैया में भैया, भैया में भैया, भैया। ये है मिस्टर पूर्वांचल। कौन? ये जो फ्लैग खड़ा है ये। इस साल बनेंगे हम, फिर बनेंगे मिस्टर यूपी, और फिर मिस्टर इंडिया। फिर फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे गुड्डू जिम। कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्लासों में जा जाके छात्रों को पीटा जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा इस कॉलेज में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल में है मुन्ना भैया के, जिसको चार ठोक दो, मार्च साहब की मार लो, हैं? उधर हाथ बढ़ाए धर लौंडिया, ये सेक्सी ओपन जीप। जब 100 पे चलती है तो बाल हवा में उड़ते हैं शाहिद कपूर स्टाइल। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। माँ का अपने पास लूना ही होती ना तो ये चूतियापा नहीं होता। अरे अरे भैया लोन किराया ले रहे हैं, सिर्फ चेन ही तो निकली है। अबे इज्जत की मैयत निकल जाती है यार, उसे क्या करें भैया। आदत। अरे बस हटा, ठीक बस 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 बस। अरे साइकिल को तोड़ दिए भाई बस। से दोबारा बात की लखनऊ जाने की? मुंडी का ला रहे हो? काहे नहीं किए बे? अबे चुपचाप लखनऊ जाके सिविल की कोचिंग कर लो, बुद्धिमान आदमी हो, निकाल लोगे एग्जाम एक बार कायदे तैयारी किए तो। हम बात करते हैं पापा से। रहने दीजिए ना, आप क्या बात करेंगे पापा से? पापा तो कहते हैं ये सब बेफालतू का खर्चा है, और वैसे भी लखनऊ जाके हमारी सिलेक्शन की कौन सी गारंटी हो जाएगी? वही तैयारी हम यहाँ पे भी तो रह के कर सकते हैं मिर्जापुर में, और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यहाँ पे बैंक पे का फॉर्म है, भर देंगे उसको, और क्या। यही कह रहे हो, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम्हें कितना भी टैलेंट हो, यही पैदा हो यही निपट जाओगे। सही बात बोले हैं भैया, अब हम ही को देख लीजिए, हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे गांड ना फुला, मार चोट देंगे तुम्हारी भोसड़ी के, पैसा बताओ कितना हुआ। चूतिया कालीन भैया का चौक, कालीन भैया का शहर, मिर्जापुर में भोकाल हो तो ऐसा हो है? चलो सीटो। थोड़ा इस तरफ होइए ना। हरी बोल।
क्या हुआ? सिला जी दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? आज फिर जल्दी रहेगा, तो मुश्किल से महीने में एक दो बार कर पाते हैं अब, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। अरे त्रिपाठी खानदान की बहू, बेसुआओं जैसे बर्ताव नहीं किया करो बिना। मुन्ना के माँ का जगह दिए हैं तुमको, पोजीशन का लिहाज रखो। ना भैया की माँ चाहिए थी तो अपनी उम्र के लिए आते, जवान काहे ले। अब स्टेरॉइड्स देख क्या बॉडी बनती है, हैं? हम भी ट्राई करें? अरे भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं इससे, इन सब चक्रों में ना पड़िए। तुम रहने दो यार, नो पेन नो गेन। भैया चलिए केक लाने, पापा आते ही होंगे। आ रहे डिब्बी, दो मिनट आ रहे। शेर और शेरनियों के अलावा यहाँ कई और जानवर भी नजदीक ही हैं। शेर ने हिप्पो का मांस इतना खा लिया है कि अब इसका पेट फटने वाला है। इस शेरनी ने भी ठूस ठूस कर खाया है। जरा सख्त हाथों से। और जानवरों की प्रजाति से अजीब दुश्मनी चलती आ रही है, और ये है स्पॉटेड हाइना, जो ज्यादातर छुप छुप के वार करते हैं। वो कौन सी खूबी है जो इन्हें शेरों का सबसे खूंखार दुश्मन बनाती है? अरे वसुधा, मटर पनीर खाए कैसा लगा? तुम्हारा मटर पनीर तो जज साहब खा गए, हम तो उनका गोभी मंचूरियन खाए। अरे हम मेहनत की आपके लिए और मजा लेंगे आपके जज साहब। बाकी दिन कैसा रहा आपका? अब मिर्जापुर को तो तुम जानती हो वसुधा, अभी कुछ दिन पहले बारात में एक दूल्हे को ही ठोक दिया गुंडा लोग, तो उनके पापा मामा चाह रहे हैं कि हम केस लड़े उनका। हम हाँ कर दिए हैं। चाहे आपकी फैमिली पर डेंजर क्यों ना आ जाए, इतना ही लोगों को जस्टिस फस्टिस दिलाना था तो नहीं ना करनी थी शादी? रहते हनुमान जी की तरह कवारे, करते सुरक्षा। अरे फैमिली का चिंता नहीं होता तो ये गन लेते हैं हम। कभी देखे हो किसी वकील के पास गन? अब ये गन का गाना तो गाइए मत, 2 साल भागे हो तब तो कहीं जाके मिला है लाइसेंस, शहर में 1,500 में मिलता है कट्टा। वकील है हम, गुंडे नहीं। आप तो बन गए वकील, आपसे शादी करके हम बन गए झंडू। अब आपका इस शादी का कमेंट्री खत्म हो गया हो तो हाथ मुंह धो लें वसुधा जी। आइए मुन्ना भैया, आज मटन बनाए, बैठिए। नहीं नहीं, हम मटन नहीं खाएंगे, आप पापा की वजह से बहुत मिर्ची डाल देती हैं, हम ये ले लेते हैं। मकबूल जी, भैया जी खा लो। बस भैया जी आप खाइए। क्या हुआ, परसों कट्टे की डिलीवरी थी हो गई? अभी नहीं करा है पापा, कल करा देंगे, थोड़ा बिजी थे। अच्छा कहाँ बिजी थे, क्या किया दिन भर?
वो कॉलेज में लड़की लोग का बूट सेट किए, फिर राइवल कैंडिडेट बहुत डेयरिंग दिखा रहा था, उसको तोड़े, अब ठीक है। प्रणाम बाबू जी। भैया जी नमस्ते। नया स्टॉक आ गया, एक आज चाहिए तो ले लो गुप्ता। अरे अरे नहीं भैया जी, हमारे पास तो ये यूपी सरकार की दी हुई है ना। हम तो बस वो आपके दर्शन के लिए आ गए थे। हम शिवलिंग है जो दर्शन के लिए आ गए। क्या छुतियापा हुआ है जो रात को रुका नहीं गया? बारात में दूल्हे को उड़ा दिया मुन्ना और तुम हमें बताए नहीं मकबूल? और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे, तुम्हारा दमाद था वो? विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। एक गुप्ता पोस्टमैन है, और पोस्टमैन की ना गांड नहीं मारी जाती बेटे, वरना अगली चिट्ठी फाड़ के वहीं डाल देगा। मकबूल कितनी दफे बोले हैं बुलेट गिन के दिया करो इनको। हम सुलटा लेंगे भैया जी। घंटा सुलटा लोगे तुम? ए अब कौन वकील हायर किया? रमाकांत पंडित। ये अलग है बहन। बेटा तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? पापा आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। और कट्टों का व्यापार है हमारा, अगर हम 3-4 बुलेट एक्स्ट्रा यूज कर भी लिए तो आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं? बेटा कल को हम कोठा खोल दें और तुम लहंगा पहन के धंधा करने बैठ जाओगे उसमें। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब काहे चिंता कर रहे हैं भैया जी, हम देख लेंगे ना। तुम काहे देखोगे मकबूल? मुन्ना मूते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। वो तो हम ऐसे भी हैंडल कर ही लेते, छोटी सी चीज है। अभी जाके बताते हैं उस वकील साले को। और आपकी एक्स्ट्रा बुलेट्स भी रख रहे हैं। अपनी फैमिली के लिए मटन ले जाइएगा गुप्ता जी। भैया जी आओ। क्या है भैया जी? सुने हैं रतिशंकर शुक्ला के लड़के फिर से मिर्जापुर आ सकते हैं। ब्रतिशंकर को दे दिया है ना जौनपुर, फिर काहे पजामा खोल के आ रहे हैं हम यहाँ? सुनो जी, बिलायती है, अच्छा समय चल रहा है, बताते रहेगी। बांधो बांधिए। थैंक यू भैया जी। साहेब हाँ मटन। अच्छा भैया जी, बाबू जी कभी कभी सोचते हैं मुन्ना का करें क्या। तो कर लो एक और लड़का पैदा, कौन रोका है? बात बताइए, आने में इतना लेट काहे हो गया? स्कूटर खराब हो गया था,
स्कूटर बेच के सेकंड हैंड कार काहे नहीं ले लेते पापा? काहे? ठीक तो चल रहा है हमारा स्कूटर, घर पहुंचा दिया ना, बाकी जब गुंजाइश होगी तो देख। हाँ हाँ, जानते हैं आपका डायलॉग, जब गुंजाइश होगी तब देखेंगे। जिंदगी निकल गई आपकी, गुंजाइश ही नहीं हुई पापा। अरे प्लीज अब आप लोग अपनी बहस मत शुरू करिएगा। तुम तो रहने दो यार, पापा से कुछ बोलते ही नहीं हो कभी। कहाँ नहीं जा सकता है लखनऊ, हर समय हम लोग बजट ही चेक करते रहते हैं यहाँ पे। गुड्डू बेटा, मिडिल क्लास लोगों को बहुत चीजें देख के चलना पड़ता है। मिडिल क्लास लोग ड्रीम भी तो देख सकते हैं ना पापा। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं गुड्डू मियाँ, अगर एक ही क्लास में 2 साल तक लगातार फेल ना हो तो। ये डिम्पी कहाँ रह गई? डिम्पी आओ। चलिए बाबू, बंद कीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये चलिए केक काट लीजिए। हमको हमको क्या क्या बच्चों की तरह हमसे मोमबत्ती लगा के फूंक काट दीजिए। पहले फूंक मारिए, कैंडल बुझाइए पहले जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फिर जल गया दोबारा। अरे नमस्ते आंटी, रमाकांत अंकल है? आप कौन? हम कौन? यस हम कौन? वेरी नाइस हाउस। बाय लाबू आंटी। कहाँ? लेफ्ट राइट? पहले लेफ्ट। कहाँ है? कहाँ? यहाँ है। बैठी 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 वकील साहब शर्मिंदा कर रहा है। बैठी 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 बैठी। प्रणाम वकील साहब। ओ सॉरी, हम मुन्ना मुन्ना त्रिपाठी। आपकी बेटी है? डिम्पी अंदर जाओ। अरे ये क्या बात हुई डिम्पी? वेट, डिम्पी अंदर क्यों जाएगी पांडे जी? गलत बात है डिम्पी, तुम एक काम करो, तुम आके बैठो, इधर आओ। कम डिम्पी, यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए पांडे जी, पापा आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, स्कूटर नहीं बेचेंगे, कम से कम सेफ्टी का तो जो। आंटी कितने हैं? और भी लोग हैं ऊपर, जाओ भैया देख के आओ जरा। जी भैया जी। अबे अबे पहलवान, तुम तो वो अकाउंट्स की क्लास वाले हो ना वे, तुम्हारे लिए अंडे करवाए थे हम कैंटीन में, याद है? जी उन्ना भैया, आप आओ आओ आओ, तुम भी आओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, सारी फैमिली इकट्ठे होके बैठेगी, माता जी यहाँ है, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। तो ठीक है पंडित जी, अब सीधी बात पे आते हैं। वो जो दूल्हा मरा था ना घोड़ी पे, उसे हम ही ठोके थे, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, हम तो जानते भी नहीं थे साले को, बस
डांस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो स्टेप करते करते पता ही नहीं चला कब ट्रिगर दब गया, झूल गया। मिस्टेक हुआ है पंडित जी, क्राइम नहीं, और मिस्टेक के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाया जाता ना। अरे मुन्ना भैया, वो इंसिडेंट हो गया। क्या हुआ भाई? तो वही केस का फाइल हमारे। हाँ तो फाड़ दो भाई, फाड़ो फाड़ो फाड़ो। मुन्ना भैया। हाँ भैया। हम बात करते हैं पापा। हाँ करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। पापा जो भी केस है जाने दीजिए। देखा तुम कैसे अंकल जी ने एकदम झंडे की तरह हाथ खड़ा किया, और तुम सालियन को हल्के में ले रहे थे। तो बात ऐसी है कि अब आप उस लड़के के घर वालों से नहीं मिलेंगे, समझे? और जो नहीं समझे हो तो क्या करोगे? क्या बात है अंकल जी, हम तो एक हंगल सोच के आए थे, आप तो बहन से बच्चन निकले। हाँ, क्या बात है, एक बात बड़ी गर्मी है आपकी लौंडिया में। शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़का देखे हैं कि नहीं? और अगर नहीं हमारे पास भिजवा दीजिएगा, जितनी गर्मी है हम उतार। मुन्ना भैया, मादर चोर मुन्ना भैया। इनके बाप कौन है जानते हैं ना? अखंडानंद त्रिपाठी। तेरी माँ का झूठ बुड्ढे। हाँ क्या है? तुम कुछ नहीं करोगे।
मिर्जापुर में किसी को भी दुश्मन बनाइए लेकिन कालीन भैया को नहीं। पूरी दुनिया में आपको यही एक केस मिला था क्या पापा? तो क्या करें, बोल दें उस फैमिली को कि हम केस नहीं लड़ेंगे, हट गई हमारी। पापा या आप सब लोग बोले तो हम वकालत ही छोड़ देते हैं। वकालत छोड़ेंगे? ऐसा केस पकड़िए जिसमें चार पैसा भी आए और फैमिली की रिस्क ना हो। पर ऐसे केस किसी को तो लेने पड़ेंगे ना भैया। दुश्मनी ना औकात देख की जाती है डिंपी, प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम। आप बताइए हम दोनों मिलके कितनों को मार लेंगे और तुम क्या कॉलेज जाना छोड़ दोगी? आज मम्मी से गन चलवा दिया आप पापा। हम बता रहे हैं ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, देख लीजिएगा आप पापा। अंदर ले जाओ मम्मी को, अंदर चाहिए तो सही। कालीन भैया बुलाए। चलिए हम चलते हैं, चाबी बुलाए। आपको नहीं, इन दोनों को। दो मिनट दे रहे हैं, बाहर गाड़ी में बैठे। तो हमारा है, फैमिली को कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये सब आपको केस लेने के पहले सोचना चाहिए था ना पापा। आप हमेशा आग में हाथ डालते हैं, कभी तो जलेगा। और कालीन भैया खुद बुलाए हैं, ये कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर हम नहीं गए तो वो यहां आ जाएंगे, और अगर वो यहां आ गए ना पापा,
रुको। मुन्ना हमारे लड़के हैं। जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा तो मारेंगे नहीं हम। दोबारा करेंगे हम, दोबारा मारेंगे। हम क्यों मारोगे? बाबू, मिर्जापुर के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में। गन सिर्फ उसके कंट्रोल में रहती है मुन्ना भैया, जो उसको हाथ में पकड़ा होता है, जैसे हमारे घर में थी। तो छोड़ो उसे। मुन्ना, हर बार बचा पाओगे वकील साहब को। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क वहां भी है करीम भैया। क्या करते हो? जी हम पढ़ते हैं, मुन्ना भैया के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। आ गया हम मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे हैं। और आप? ये कॉलेज टॉपर हैं अकाउंट्स के, एकदम आईएएस मटेरियल हैं। नहीं नहीं भैया जी, वो हम आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। शायद बैंक पीओ का फॉर्म भरेंगे हम। हमारे लिए काम करोगे? जी देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे,
हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। पांच मिनट देते हैं, सोच लो। दोनों की चिंता के मारे जा रहे हैं ना, फिर हम तो यहाँ बस बैठ जाएंगे ना, आप तीनों की चिंता लेके मर ही जाएंगे ना। हम तो गलत कह रहे हैं तो आप कहिए। दो घंटे हो गए उन दोनों को गए, एक फोन भी नहीं आया, हम जा रहे हैं। हाँ जाएगा बाबा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी कसम। सोचा बबलू, ये साला एक ऐसा डिसीजन है जिसको हां करने में भी रिस्क है और ना करने में भी। अब भैया जी ठीक, उबले अंडे ले आओ और थाली भर के लाना। भैया को देखे हो कैसे माहौल बना के रहते हैं, साला वैसे ही माहौल हमारा भी बनेगा। कोई पैसा मांगने आगे से आ नहीं पाएगा। लोग उठ भैया उठ भैया बोलेंगे, वो अलग। लोग क्या सोच रहे हो यार, अबे कोई रिस्क नहीं है। हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की है और वो हमको काम दे रहे हैं, चूतिया नहीं है वो। हाँ तो कोई फायदा देखे होंगे हमें ना, तभी तो दे रहे हैं। और जिस में वो फायदा खत्म हो गया तब, जिस दिन हम इस लाइन में खुश गए ना, दोबारा पूरी जिंदगी इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। अब तो बाहर कौन सा बड़ा उखाड़ लिए हैं अभी हम, दूसरा का काजू खा रहे हैं भोसड़ी वाले। कर दो बे, ले लो। लेकिन इस डिसीजन से एक बात तो होगी कुटु भैया, पापा के सर से तलवार हट जाएगी और अपनी फैमिली ना सेफ रहेगी, और ये मुन्ना दोबारा कोई चुतियापा नहीं कर पाएंगे। बहुत मजबूत नींव डाले हैं तुम्हारे लिए, संभाल के नहीं रखोगे तो घर गिर जाएगा। और उसके बहन के साथ काहे बदतमीजी किए तुम बेटा, ये छोटे मोटे गुंडों का काम है। हमको देखे हो कभी किसी औरत के साथ बेअदबी से पेश आते हुए? याद रखना, औरत की खुशी हमेशा आदमी से ऊपर होती है। सर जी, मंजूर है भैया जी, दोनों को आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, वरना कोई नहीं। आओ खाना खाओ। आप लोग के साथ? फैमिली तो साथ में ही खाना खाती है ना। Thank you.
उठाओ थाली। तुम्हारे लिए शहर तुम्हारे नीचे काम करेगा और तुम हमारे नीचे। अरे राजा बाबू, खाना लाओ इनके लिए। जी बस तो और लीजिए ना, मेहमान है आप हमारे। घर जाके अपने पिताजी से बात कर लेना। भैया जी एक रिक्वेस्ट थी, उस साइकिल पे बैठ बैठ के हमारे हमारे जूतड़ छिल गए, एक लूना मिल जाती। तुम्हारे लिए है ये, इस पे चलोगे तो लोग कहेंगे कालीन भैया के लड़के जा रहे हैं। अंदर रखिए इनको। बड़े लोग की बात ही अलग होती है। मांगे लूना पे दीदी बुलेट, साथ में खाना भी खिलाए हैं। और ये साली गन्स, वो तो कितनी गोलियां पड़ती होंगी है? चला के देखे है? ए, साला क्या कर पगला गए क्या? कान का पर्दा फाड़ेंगे। अबे यार लोगों की गांठ पट रही है, गांठ की पड़ी है। तो भैया ये क्या क्या कर रहे हैं? अरे गुड्डू तो भैया लोग बाहर आ जाएंगे। भैया क्या कर रहे हैं? बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। अपनी पकड़ो। आप अपनी वाली अंदर रखिए, पीछे बैठिए। अरे गुड्डू भैया गन्स हैं, खेलने की चीज नहीं। पीछे बैठे। अबे हमको तो खेलने मजा आ रहा है। अरे इसको बंद करो, तब तो बात होगी। कल मिर्जापुर तुम्हारा होगा मुन्ना, चाहते हो ना वो जीप पे नेम प्लेट लगे मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। बेटा जब शहर चलाओगे ना तो ट्रिगर खुद नहीं दबाओगे, उसके लिए आदमी चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करे, और ये दोनों करेंगे। देखो उन्हें पता था तुम हमारे सुपुत्र हो, फिर भी डरे तुमसे। गुदा है ना उनकी गांड में। उनका गुदा दिख रहा है आपको, और हमारा जो बेइज्जती हुआ है उसका क्या? हमें बदला लेना है उनसे। मुन्ना तो इससे बड़ा बदला क्या होगा? जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की अब आने वाले सालों में तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करेंगे। आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो ये कल तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे, मकबूल की तरह। उसकी जितनी बाऊजी के लिए थी उससे कहीं ज्यादा वफादारी हमारे लिए है। मकबूल फैमिली है पापा। काहे का फैमिली बेटा, उसको देखे हो कभी साथ में खाना खाते हुए? लेकिन आप पूछते तो हर बारी। वो इसलिए पूछ लेते हैं कि हमको पता है वो बराबरी में नहीं बैठेगा। हम पूछ के उसका मान बढ़ाते हैं और ना करके हमारा। तो फिर इन दोनों को कहे बिठा लिए।
बिठाए नहीं है, थोड़ी सी इज्जत दिए हैं। जब आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना, तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। याद रखो मुन्ना, ये लोग फैमिली नहीं बनते, सिर्फ वफादार बनते हैं। मकबूल नहीं है हमारी फैमिली, तुम हो। तुम खाओ। इसीलिए तो विरासत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हो, इसी फर्क की तो बात करते हैं। पापा, हम कल रात फोन किए तो थे कि सब ठीक है। उषा जी, शायद भाई 2 मिनट का वक्त देंगे। जी। एक फोन कर दिया तो सब ठीक हो गया। क्या हुआ अखंडानंद के यहां? पापा, हम सब ठीक कर दिए। सब ठीक कर दिए हैं? मतलब ये कि अब कालीन भैया की यहां से हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। पापा, हम उनको ज्वाइन कर लिए हैं। पापा भी, और खुद कालीन भैया आगे से ऑफर भी। पगला गए हो क्या? रमाकांत पंडित के लड़के एक गुंडे के लिए काम करेंगे? कालीन भैया गुंडा नहीं है, डॉन है। चुप रहो, वो जो भी, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें तो परवाह है ना पापा। अब एक रात हमारे घर पे टाइम पे ना आने से आपको इतनी चिंता होगी, वैसे ही हमें भी आपकी मम्मी की और डिंपी की जिंदगी भर चिंता रहेगी पापा। हर सुबह हर शाम, तब तक जब तक आप लोग सही सलामत घर नहीं लौट आते। अब जो कुछ भी हो गया पापा, उसका कुछ कर नहीं सकते, उसको जाने दीजिए। और वैसे भी अब कालीन भैया हमारी साइड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। ये बताने के लिए यहां पर आया हूं? नहीं, हम ये कहने के लिए आए कि वो केस जाने दीजिए पापा। मुन्ना, जो रात को हमारे यहां कहने के लिए आए थे, वही बात तुम दोनों यहां कचहरी में बताने के लिए आए हो। शर्म नहीं आती अपने बाप से इस तरह बात करते हुए? तुम दोनों हमारे लौंडे हो ही नहीं सकते। हमको तो डाउट हो गया इस बात पर। उठो, निकलो यहां से। और किसी में दम है ना तो हमें ये केस लेने से रोक के बताए। सिरे भागी क्या करेंगे? हाँ, पापा नहीं माने तो क्या हुआ? हम तो सोचे है ना। चलिए बैठिए, बताते हैं।
और फिर राज ने सरिता को पलंग पे पटक दिया। उसकी सलवार तो पहले ही उतर चुकी थी। राज ने सरिता को दो पल घूरा और फिर कस के बेल्ट मारी। सटाक दर्द की तीस उठी और लाल निशान पड़ गया। फिर राज ने सरिता के बालों को कस के पकड़ा और अपने होंठ उसके होठों से चिपका दिए। मानो होठों के चूमे जाने का आनंद और बालों के खींचे जाने का दर्द सरिता को एक अलग ही दुनिया में ले गया हो। राज ने सरिता को ऑर्डर किया, सहलाओ खुद को और मुझे देखने दो। सुन, गोलू को देखा? ऐसे और जोर से। सरिता की उंगलियों पर काली नेल पॉलिश राज को बहुत ही उत्तेजित कर रही थी। राज की सांसें तेज हो गईं और उधर अब किसी भी पल सरिता को चरम सुख मिलने वाला था। सरिता चीखी। पढ़ाई करती है गोलू, देख कितना पसीना आ रहा है। पूरी दुनिया की जानकारी मिल गई तुझको? हाँ दीदी, स्वर्ग की तो मिली गई। पता है कल मुन्ना टिम्पी के घर में घुस के क्या बवाल कर दिए। मुन्ना को और कुछ करना आता ही कहाँ है। अच्छा दीदी, वो किताब दे दो ना प्लीज, विज्ञापन वाली। ये किताब ही पढ़ूंगी ना तो चश्मे का नंबर डबल हो जाएगा तुम्हारा। कल क्या किया उन लड़कों का? गांड मारे कि नहीं? सुनो भोसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। अरे मुन्ना आ जाओ, आ जाओ। दीपू सिंह आए थे? हाँ अभी मिलेगा। नॉमिनेशन वापस ले लिए। अच्छा, चलिए अच्छा ही है, हमारा कंपटीशन कम हुआ। आपका इतना टेंशन ले रहा है? नहीं, वो सेल्फ रेपुटेशन भी तो कोई चीज होती है ना भाई। हमको अगले साल भी तो चुनाव संयोजक बनना है। चुनाव फेयर हो या ना हो, लेकिन दिखना चाहिए कि फेयर है। डेमोक्रेसी इसी का नाम है बेटा। तो सोचिए जो सोचना है। हम तो वो सोचेंगे, लेकिन एक सलाह है भाई। कि अगर नेता बनना है ना तो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं। और कल से कॉलेज कैंपस में मारपीट बंद। काहे के लिए? ठीक है मार्ट साहब, पक्का ना? अरे माँ कसम मार्ट साहब, चलिए अभी चलते हैं। माँ तो तुम्हारी कब की मर चुकी है। देखो चश्मा अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर में, हम सच बता रहे हैं। यू लुक लाइक कुमार गौरव, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बचपन से पहन रहा है। क्या बोले मार्ट साहब? कल से मारपीट बंद।
अच्छा मतलब आज तो मार सकते हैं ना। अबे स्वीटी, स्वीटी बोलो मुन्ना। कल तुम्हारे पापा के हाथ मटन भिजवाए थे, कैसा लगा? हम वेजिटेरियन हैं। अच्छा, कब से? जब से तुम मटन भिजवाए ना तब से हो। अच्छा सुनो ना, नई पिक्चर लगी है ख्वाबों के परिंदे, चलोगी? नहीं, पिक्चर जाओगे तो भी इतना मेकअप करके आए हो। स्वीटी, अरे सुनो तो स्वीटी, वो शिल्पी टाकीज में नई मशीन लगी है पॉपकॉर्न्स की, वो चॉकलेट वाले हैं, बहुत मजा आएगा, चलो ना। दीदी यही सेक्स कर लें तुम्हारे साथ, फाइनल एजेंडा तो ये है ना तुम्हारा। गोलू देवी ऐसा है, छोटी हो छोटी ही रहो, बीच में ना बोलो, ठीक है? वरना कल को जब हमारी साली बनोगी ना, सीधा कर देंगे तुम। स्वीटी लव है हमारा, और वैसे भी तुम दोनों के बाप रोज आते हैं हमारे घर पे हाजिरी लगाने। तुन्हीं को ले जाना पिक्चर दिखाने, स्कॉलरशिप पकड़ लेना और उनकी गोदी में बैठ जाना। मुन्ना भैया प्यार से कह रहे हैं तो बहुत उड़ रही हो, उठा लेंगे किसी दिन बीच बाजार। अभी सैंडल से मारेंगे तुमको, हील वाली साइड से, समझे? और बंदर की तरह मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा। हम तो अबे ओ, तुम्हें बोले है ना कम बोला करो, देंगे वरना एक रैपर, भाभी है तुम्हारी। तुमको समझ में नहीं आता है मुन्ना? नहीं स्वीटी, हम सॉरी, हमारी तरफ से ना है। रिक्शा। अरे स्वीटी, वो क्या है ना कि लड़की की नाम ही उसकी हाँ होती है, समझे? यार कंपाउंडर, दवाई की बहुत जरूरत लग रही है। तुम्हारी डिस्पेंसरी खुली होगी अभी? आपके लिए हमेशा खुली मुन्ना भैया। जय बात, तुम हो हमारे दोस्त। अच्छा मौसड़ी, क्या तुमने कितनी बार बोला कम बोला करो। ये सांप अभी 3 फीट लंबा है और इसकी उम्र सिर्फ कुछ ही महीने है, फिर भी ये सबसे घातक शिकारी माना जाता है। एक बार और मौत तुरंत। घने जंगल और उसकी नदियों में सांप के लिए खतरनाक खाना मौजूद है। इसको देखकर अति संघर्ष शुक्ला की याद आ गई। सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दो, एक बार दुश्मनी हो गई तो दुश्मन ही रहता है। सांप जितना भी दुश्मन बन जाए, पर कंट्रोल सपेरे के हाथ में ही होता है। बस अलर्ट रहो। और अब हमले के लिए सही मौके की फिराक में है। हाँ भाई, हो गया? हाँ जी, लो। अरे भैया ये रहने दीजिए। उस्मान भैया, तुम तो जानते हो हम हक की खाते हैं, हराम की नहीं। लो। अरे रखो, नया स्टॉक आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताना। कालीन भैया फुल कंट्रोल दिए हमको। ये लीजिए। शाबाश मेरे कबूतर, ये हुआ ना हक का। कबूतरों से कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? बेटा कहाँ का कबूतर बुलाए हो? ये मुकेरी बाजार का है पापा। कैश कलेक्ट हो गया? हाँ बस हो ही गया है। कितना हुआ? गिने नहीं है पापा अभी। गिनो।
ब्रजेश जी, फेरी बाजार का कौन है कबूतर? राजन मिश्रा जी। जी भैया जी। हाँ आप, हमको चूतिया समझ रखे हो। सारे कबूतर यहाँ आंगन में खड़े हैं लाइन लगा के। और तुम कौन सा वसूली कर रहे हो बेटा? हाँ? अरे झूठ बोलना तो ठीक से सीख जाओ। अब रखो। हमारा हो गया गुरु, हम चलते हैं। भैया जी, भैया जी, कितना हुआ ब्रजेश जी? भैया जी, पिछले हफ्ते से 15% कम हुआ है व्यापार, और झंडूगंज भी ज्यादा है इस बार। ठीक है, मुन्ना का चुतियापे का क्या करें मकबूल, कैसे संभालेंगे व्यापार? तो दूसरा पैदा कर लीजिए, हमारा और आपका फर्टाइल चल रहे हैं अभी। हाँ हाँ ठीक है, हो गया चाय, आप जाइए। मकबूल, मुन्ना का सेफ्टी का ध्यान रखो, और पुलिस वाले की खबर आई थी रति सुनकर के बारे में। जी रजत जी। जी भैया जी, झंडूगन ठिकाना लगवा दीजिए। अंदर रखिए इसे। यहाँ पे भी शुरू हो गया आप। अबे सर, इतना डेडिकेशन से घूमता है। कल रात कारिन भैया के चक्कर में मैं एक्सरसाइज रह गई। ओ आ रहे यार। जी नमस्ते। नमस्ते। जो दूल्हा बाबू मरे हैं उनकी फैमिली से मिलना था। आइए। हम लिखाया था फीसा, दूल्हा हमारा ही भांजा था। हाँ तो मामा जी, लिखाए थे तो वापस भी आप ही लेंगे। काहे वापस लेंगे? इस लौंडे ने गोली चलाई है हमारी आंख के सामने, हम करेंगे आइडेंटिफाई। अरे तो हम कर देते हैं ना आपके लिए आइडेंटिफाई इनको। इनका नाम मुन्ना त्रिपाठी है और ये खानदानंद त्रिपाठी के इकलौते लड़के हैं। आप बारात बाहर से लेके आए हैं इसलिए आप जानते नहीं है कि ये कौन है। He's done. कोई भी हो, डरते नहीं हम। अरे मामा जी, आप नहीं डर रहे हैं लेकिन हमको आपके लिए बहुत डर लग रहा है। आप बात नहीं समझ रहे ना हमारी। सुनो मामा जी, हम अभी ज्वाइन किए इनको और चुल मच रही है हमको बहुत ज्यादा। अभी तुम ही से उद्घाटन करेंगे करियर का, समझे? एक मिनट रुक जाइए ना भैया। दे रहे हैं आपको कॉम्पेंसेशन, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए और बात को यहीं पे खत्म करिए ना। कैस काहे रखती बे, हम बोले थे ना गन से सुलटाएंगे, काहे ऑप्शन देना है? ये सामने वाली पार्टी अब कंफ्यूज हो रही है। तो अंकल जी, सब कुछ आपके सामने है, मामला दोनों तरीके से सुलटाया जा सकता है, अब चॉइस आपकी है। पैसा उठाइए,
हो जाइए यहां से। फालतू कर इस काहे ले रहे हैं, बात को खत्म करिए ना यहीं पे। जी जी, अरे दिल के मरीज है भैया, कुछ हो जाएगा आपको। जिसका मरता है वही जानता है। बेटा था हमारा, ठीक है हम अब भाई वापस ले लेंगे, इन्हें छोड़ दीजिए भैया। अरे ऊपर खींच लो भैया। हाँ मम्मी, राजा के हाथ पैसा भिजवाए थे, मिला ना? गिनी हो? पापा कैसे? हाँ हम तो ठीक ही हैं। अब मजबूरी में शादी की है तो जितना ठीक हो सकते हैं उतना है हम। अरे मम्मी जब खुशखबरी होगी तो बताएंगे ना, ट्राई तो कर ही रहे। तुम रोज रोज काहे पूछते? मुन्ना कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मुन्ना भैया को निकले थोड़ा टाइम हो गया मकबूल भाई, कहाँ गए होंगे पता नहीं। हम साथ चलें ना, हम देखते हैं। जी दो सौ बयालीस, तिरतालीस, चौवालीस, पैतालीस, छियालीस, सैतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन, सत्तावन, अठावन, उनचास, साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ, पैंसठ, सड़सठ, अड़सठ, उनहत्तर, अड़सठ, रतिशंकर भैया हम आते हैं। जी। गाड़ी 100 मीटर आगे लगा लो वरना शरद परेशान हो जाएंगे। आइए भैया जी। ये देखो बैठो, कुर्सी खोलने में तुम्हारी गांठ फट जा रही है। हम सारा हिसाब सही दिए थे, इन लोगों गलत फहमी हो गया। यहाँ हम साला मिर्जापुर का प्लानिंग कर रहे हैं और पीछे से तुम हमारा जौनपुर भी पेल दो साले। कोई गलती नहीं की भैया। नहीं गलती नहीं की हो तो सजा भी नहीं मिलेगी। हाँ चलो बरनमाला सुना दो। मैं सुनाता का नहीं? सही बता रहे हैं, ठीक से सुना दो एकदम ठीक ठीक बिना मिस्टेक किए, बात खत्म। 200 दीवार पे करेंगे मैच। पैर ऊपर ले, ऊपर ले, 98, 300। A B C D E F G appearance charts। हिंदी का सुनाओ बे। अबे सुनाओ, नाम सुनाओ। अबे सुनाओ। क क ग घ ड च छ ज झ ट। गलती कर दिए ना, च छ ज झ इया। ठीक से पढ़े होते तो बच जाते आज तुम। कपड़ा खराब हो जाएगा हमारा।
कैसे हो अखंडा, कैसे फोन किए? अरे कैसी बात कर रहे हो, हम कहाँ किसको भेजेंगे मिर्जापुर? मुन्ना तो हमारे खुद लड़के जैसे हैं। ठीक तो है ना वो? मादरचोद चोदने भी नहीं देते। अब तो सुरपंखा भी आ गई। अखंडा बाबूजी कहाँ रह गए? अरे रतिशंकर आते ही होंगे। बड़ा घना बन है जी देवी, यहाँ अवश्य फल मिलेगा। मुन्ना तुम्हारे लिए, मजा करो। आइए बाबूजी बैठिए। बैठो। नमस्ते। अभी आइए सुरपंखा। ये दिख गया फल, ले आओ। जो आ गया देवी। अजीत ठाकुर रुक रहे होंगे। तुम मुन्ना को लेके जाओ। त्रिपाठी, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि मिर्जापुर का एक ही बाहुबली है, वो है अजीत ठाकुर। मिर्जापुर के बाहुबली तो हम बन के ही रहेंगे। भौजी हम यहाँ फैमिली के साथ हैं और अजीत ठाकुर हम पर अटैक करवा रहे हैं। मादरचोद! मिर्जापुर अब ठाकुरों का नहीं, त्रिपाठियों का होगा। कितना समय और लगेगा? 2 घंटे और लगेंगे ठाकुर साहब। घंटा रतिशंकर चलो, उधार चढ़ा दिया हम पर अजीत ठाकुर। परिवार था हमारे साथ तब लड़के भेजे आपने, हम तो बस सेटल कर रहे हैं।
अजीत ठाकुर अब नहीं रहे, ये रहा प्रूफ। मिर्जापुर अब हमारा है, हम सत्यानंद त्रिपाठी मिर्जापुर के नए बाहुबली, हमारे दो उत्तराधिकारी होंगे अखंडानंद त्रिपाठी और मुन्ना त्रिपाठी, और ये है रविशंकर शुक्ला, हमारे फैमिली मेंबर जैसे, हमारे वफादार। सत्यानंद त्रिपाठी।